वेलकम बैक टू माई चैनल. टुडे इज फ्राइडे एंड आई एम ब्लॉगिंग टुडे. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जनरली अपना घर, जब मैंने व्हाइट का पूरा मेकओवर किया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि डू मेक अ वीडियो कि आप किस तरह से मेंटेन करते हो अपने घर को, कैसे मेंटेन करते हो. तो मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने वाले हैं ये व्हाइट करे हुए. तो एक चीज़ के लिए तो मैं बहुत क्लियर हूँ उस थॉट प्रोसेस में कि इन फ्यूचर अगर मेरा खुद का घर होगा तो मैं डेफिनेटली वाइट फर्नीचर के ऊपर नहीं जाऊंगी. आई विल मेक वुडन फर्नीचर ओनली जो अच्छा क्वालिटी का होता है और जो वुड का होता है. और वाइट वॉल्स तो मैं तब भी रखूंगी बट डेफिनेटली वाइट फर्नीचर पे नहीं जाऊंगी बिकॉज इट लिटरली टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ योर टाइम. मतलब ये इतना गंदा होता है, इतना गंदा होता है. मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे घर में ज़्यादा गंदगी इसलिए होती है क्योंकि मैं जिस तरफ की फेसिंग पे रहती हूँ, मेरे बिल्कुल ऑपोजिट साइड में इस विंडो के साइड में मेन वॉल, मेन रोड है जहाँ से लोग पास होते हैं. मेरे इस तरफ वाले जो घर हैं, इन लोगों के विंडो के साइड में जो कॉलोनी वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है. एंड इनफैक्ट टीनू भी जहाँ रहती थी, टीनू मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो मेरी कॉलोनी में रहती थी पहले, और वो लोग अंदर साइड रहते थे 2 BHK में, उनके सारे फ्रेंड्स और ये लोग. तो उनका घर भी इतना डस्ट वाला नहीं होता था और चकर 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 नहीं होती थी. तो मैं आई एम सॉर्ट ऑफ इरिटेटेड नाउ विद क्लीनिंग क्योंकि मैं सुबह शाम क्लीनिंग करती रहती हूँ बट हर दूसरे दिन मुझे इस तरह से क्लीनिंग करनी पड़ती है. तो मैं क्योंकि अभी क्लीनिंग कर रही थी, मैंने सोचा नहीं था अभी वीडियो स्टार्ट करने का, बट क्योंकि मैं क्लीनिंग कर रही थी और ये मैंने कल क्लीन किया था, तो कल क्लीन करने के बाद आज की जो डस्ट है वो देख करके आई वाज शॉक्ड एंड आई थॉट कि जो लोग बोलते हैं वाओ वेरी ब्यूटीफुल, व्हाइट इज लुकिंग सो गुड, ये वो, मैं उनको बता देती हूँ. लाइक राइट नाउ आई एम यंग, आई एम एनर्जेटिक, आई डोंट हैव लाइक, मतलब अभी हाथ पैरों में कोई दर्द नहीं है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. तो अभी मैं कर रही हूँ, ठीक है. लेकिन एक टाइम के बाद तो एक आपकी जब एज बढ़ती जाती है तो मैं डेफिनेटली जो 40 प्लस लोग हैं उन लोगों के घर के लिए कभी रेकमेंड नहीं करूंगी कि अपना पूरा सब कुछ वाइट कर लो. अगर आप मेंटेन कर सकते हो, मेंटेनेंस बहुत मांगता है वाइट, लिटरली बहुत मेंटेनेंस मांगता है. तो मैं अपना ये क्लीन कर रही थी, ठीक है, अपना ये जो डाइनिंग टेबल है ना, मैं ये क्लीन कर रही थी. आई यूजुअली क्लीन विद दिस वाइप एंड मैं ये कॉलीन यूज करती हूँ, राइट. तो पहले तो मैं जो डस्ट है उसको नॉर्मली वाइप आउट करती हूँ. अब आप देखिए कि ये जो है इसको मैं अभी वापस से वॉश करके लाती हूँ और यहाँ पर आपको जो डस्ट दिख रही है ना, तो जो डस्ट दिख रही है ये मैंने कल क्लीन किया था. एंड लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये सिर्फ इधर का ही डस्ट है. अभी मैं इसको फिर से वॉश करके लाती हूँ और आपको फिर से दिखाऊंगी, ठीक है. नाउ दिस इज अ क्लीन वाइप, लेट मी शो यू वंस अगेन. See this? So now this is clean. देखा आपने, ऐसा मुझे डेली करना पड़ता है हर फर्नीचर के साथ. लाइक एक तो इस टेबल के साथ करना पड़ता है, देन ये जो छोटा टेबल है इसके साथ करना पड़ता है, देन वहां पे जो टेबल रखा हुआ है उसके साथ करना पड़ता है. क्योंकि व्हाइट फर्नीचर है आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी आंखों के सामने ये कब येल्लो में टर्न हो जाएगा. सो इट्स रियली हार्ड टू मेंटेन बट एट द सेम टाइम इट लुक्स रियली ब्यूटिफुल. और मुझे नहीं लगता कि एक बार अगर आप वाइट फर्नीचर के साथ रहने लग जाओ तो आपको कोई दूसरा फर्नीचर पसंद आता है किसी और कलर में. बट दैट्स द ड्रॉबैक ऑफ वाइट फर्नीचर्स. ये जो वाइप्स हैं इनको बोलते हैं क्लीनिंग वाइप्स, जो कि बहुत ईजिली शॉपिंग मॉल्स में, जैसे डी मार्ट हो गया, मोर हो गया, हाइपर सिटी हो गया, इवन आप अमेजन पे भी ले सकते हैं. दीज वाइप्स आर रियली गुड. मैं कपड़ा यूज नहीं करती हूँ किसी को भी पूछने में, इनफैक्ट किचन स्टोव पूछने के लिए भी मेरे पास यही वाइप्स है. तो किचन का स्टैंड, स्टोव, एवरीथिंग आई यू नो क्लीन विद दिस वाइप. बहुत ईजी होती है, बहुत ईजिली सूख जाती है और बहुत हैंडी होता है, और इसे क्लीन बहुत अच्छे से होता है, स्क्रैचेस नहीं आते किसी भी चीज में. सो आई यूजली यूज दीज वाइप्स ओनली टू क्लीन माई होम. Thank you.
मेरा जितना भी काम है वो खत्म हो चुका है एंड आई जस्ट टुक शावर, मैंने अपना लंच कर लिया है एंड आई गॉट रेडी एज वेल. मेरा शूट है, मतलब मेरे को शूट करना है वीडियो. सो ये वाला जो वीडियो है ना, इसमें मैं अपना जीन्स कलेक्शन बहुत दिनों से, डेढ़ दो महीने से मैं प्लान कर रही थी कि अब शूट करूंगी, अब शूट करूंगी, अब शूट करूंगी, बट वो शूट नहीं हो पा रहा था और डिले होता जा रहा था. बट फाइनली आई एम शूटिंग माई जीन्स कलेक्शन. बहुत इट्स अ हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो एज वेल. तो आई थिंक वो इस वीडियो के पहले आएगा या इस वीडियो के बाद में आएगा, तो आप जरूर चेक करना जीन्स कलेक्शन इफ यू आर इंटरेस्टेड. तो ये जो एरिया है ये हमारा सेटअप हो गया है, बहुत सिंपल सा सेटअप है एंड अब मैं वीडियो शूट करना स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ शूट खत्म करने के बाद. और हाँ, नहीं, मैं आपको बिहाइंड द सीन्स और दिखा देती हूँ. मेरा जो वार्डरोब है, मैंने लास्ट आई थिंक थ्री फोर मंथ्स पहले ऑर्गेनाइज किया था, राइट. और अभी मैं आपको मेरा जो वार्डरोब है उसका हाल दिखाती हूँ. आई थिंक यू विल बी शॉक्ड सीइंग, कंप्लीट डिजास्टर हो रखा है मेरा वार्डरोब जो है. Look at this side, look at this, then look at this, all these mess, then look at this, look at this. So I literally need a decluttering and या फिर कुछ और. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना अपनी ये टेक्निक थोड़ी सी चेंज करनी होगी. जिस तरह से मैं अभी तक ऑर्गेनाइज करती आ रही हूँ वैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं चल रहा है. सो आई रियली नीड टू चेंज. तो वही मैं थोड़ा सोच रही थी कि किस चीज़ को कहाँ रखा जाए. जीन्स का सेक्शन इधर बना दिया जाता है और ऐसे ऐसे मैं कुछ कुछ सोच तो रही हूँ. सो लेट्स सी, मैं एक दो दिन के अंदर अंदर अपना ये ऑर्गेनाइज करूँगी क्योंकि मैं इतनी पागल हो जाती हूँ. कुछ चीज़ ढूंढना होता है तो मुझे सारा सामान निकालना पड़ता है, मतलब बहुत गंदा हो रखा है. कुछ भी चीज़ कहाँ पर भी पड़ी हुई है. और अब सारी जीन्सेस जो है वो मैं कलेक्ट करती हूँ और मैं फटाक से अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में. सो यस, अभी मैंने अपना जो शूट है ना वो फिनिश किया है तो मैं फटाक से ना ये टॉप चेंज करती हूँ बिकॉज मुझे इतना टाइट टाइट टॉप्स में भी घबराहट होने लगती है. नीचे का तो मैं ऑलरेडी चेंज करके बैठी हूँ. सो मुझे सिर्फ ये टॉप चेंज करना है और उसके बाद फिर अब मैं सोच रही हूँ, मैंने जीन्स निकाल ही ली है तो मैं अपना कबर्ड जो है वो सेट कर लेती हूँ बिकॉज कभी ना कभी तो उसको करना ही है, आज नहीं तो कल. तो मैं सोच रही हूँ आज ही उस कबर्ड को सेट कर लेती हूँ बिकॉज अभी वापस से रखना इज लाइक बहुत हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए. सो या स्टे ट्यून फॉर दैट. तो आई जस्ट चेंज इनटू वेरी कंफर्टेबल टी शर्ट और अपनी शूज़ वगैरह रख दिए जाएँ बिकॉज मैंने पूरा जो जीन्स का शूट है ना, जो अपना जीन्स का शूट है वो इन हील्स में किया है बिकॉज हील्स में ना बहुत अच्छा लुक आता है. बट कुछ जीन्स स्पेसिफिकली शूज़ पे बहुत अच्छी लगती है. सो हियर इज द भेल और मैं वो लाइट्स ऑन. ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर मैं अपने सारे जीन्सेस को ऑर्गेनाइज करूंगी, मतलब मेरे जितने भी बॉटम्स हैं वो सबको मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ. एंड जो मेरे बाहर पहनने वाले कपड़े हैं वो मैं यहाँ ऑर्गेनाइज करूंगी सब कुछ. एंड जितने मेरे घर में पहनने वाले कपड़े हैं वो सब नीचे चले जाएंगे. तो ऐसा मैं सोच रही हूँ एंड लेट्स सी, बट ट्राई करके देखते हैं. अगर ये वर्कआउट कर गया अच्छा तो ऐसे ही इसको ऐसे ही रहने दिया जाएगा, अगर नहीं वर्कआउट करा देन फिर आई विल चेंज देम. Hi guys, so finally I'm just done right now. और बहुत लेट हो गया है. It's already 10 o'clock और अब फटाक से मैं डिनर करती हूँ और डिनर करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. अभी मैंने डी क्लटरिंग नहीं किया है, मैंने सिर्फ जीन्सेस की चार
पांच जीन्सेस जो है वो निकाल दी है और कपड़ों में चार पांच टी शर्ट्स हैं जो फट गई हैं, मतलब उनको ही निकाला है। जो होजरी की टी शर्ट्स क्या होता है ना, आप डेली जैसे आप ये डेली डेली पहनते हो तो उसमें होल्स हो जाते हैं, तो जिनमें होल्स हो गए वो निकाले हैं, बाकी सब एज इट इज़ है। सो दैट्स इट गाइज, आई विल मीट यू टुमारो, टिल देन हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। और आज है सैटरडे मॉर्निंग और हम लोग अभी सो करके उठे हैं और हम जैसे सो के उठे बस हमने ब्रश किया है और फेस वॉश किया है और हम निकल रहे हैं मोर, क्योंकि मोर इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि फिर है ना बहुत रश हो जाता है सैटरडे संडे और हमको थोड़ा सा ग्रॉसरी नहीं लेकर के आना है, बट कुछ कुछ सामान हमारे घर का ख़त्म हो गया है तो वही हम लोगों को लेकर के आना है। तो हम लोग जस्ट सबसे पहले हमारी आंटियाँ भी अभी नहीं आई हैं, हम फटाक से जा रहे हैं, आधे घंटे में आ जाएंगे और उसके बाद फिर बाकी काम स्टार्ट करेंगे। सो या लेट्स गो। Also we got this mosquito net as well as ये जो birds वगैरह आ जाते हैं, कबूतर आ जाते हैं और करके चले जाते हैं कुछ कुछ गंदगी, so that's why we bought this as well। तो पीछे वाली जो bedroom की window है यहाँ तो हम लोग नहीं लगाते, यहाँ पर we allowed them कि आप यहाँ आ सकते हो because there are a lot of plants and all, but bedroom के उसमें मैं नहीं आना पसंद, मतलब नहीं पसंद है मुझे वहाँ आए तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें लगाने वाले हैं एंड यस। और बाकी सब अभी घर के काम चल रहे हैं। सो आई यूजुअली वॉश माई क्लोथ्स इन इन दिस काइंड ऑफ बैग्स, जो भी मेरे टॉप्स होते हैं, एक्सपेंसिव टॉप्स होते हैं वो सब इसके अंदर हैं, एक्सपेंसिव ब्रास इज इन दिस। सो इस तरह से ये अंदर आपको इसे बस डाल देना है और ये धुलता है। अभी मैंने ये जो नेट दिख रहा है आप जो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं विंडो में, इसमें से मैं जनरली इसमें वैक्यूम क्लीनर करती हूँ, बट इतना डस्ट निकला है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अभी जस्ट ये सब वॉश करी है। And look at this. और last time भी विक्की नहीं लगाई थी, अभी भी विक्की लगा रहा है। तो और बाकी धुलाई जो चल रही है वो अलग, जितने भी डोर मैट्स थे जो मेरे पूरे घर में डोर मैट्स बिछे हुए थे या जो रनर्स बिछे हुए थे, आज मैं सब कुछ वॉश कर रही हूँ, मतलब एवरी थिंग फ्रॉम कर्टेन टू रनर्स, डोर मैट, नेट, सब कुछ। मतलब मेरे को भी सफाई करने की ना एकदम से धुन आती है, तो आज मुझे धुन आ गई, आज मैं पूरा घर धो डाल रही हूँ। हे गाइस, तो अभी आधे घंटे पहले मैंने जिस शावर लिया है और शाम हो गई सुबह से लेकर के, क्योंकि हम लोगों ने उसके बाद तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया बिकॉज है ना इतनी चीज़ें हम लोग वॉश कर रहे थे, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे मैंने ये रनर तक वॉश कर दिया है और ये सूख भी गया है, मतलब मशीन की दाद देनी पड़ेगी है ना। सो ये सूख भी चुका है और सारी चीज़ें जो है वो ड्राइड अप हो गई है बिकॉज गर्मी है यहाँ पर अभी भी, मुंबई में ठंड नहीं स्टार्ट हुई है। आप मेरे को देख के समझ सकते हो कि मैं अभी आई जस्ट टुक अ शावर और मुझे कोई ठंड नहीं लग रही है एंड आई एम वेयरिंग शॉर्ट्स लिटरली, मतलब अभी भी शॉर्ट्स पहन रही हूँ मैं। जो मेरे फुल वाले नाइट सूट्स हैं वो मैंने निकाले भी नहीं है। लास्ट ईयर इतने टाइम तक ना काफ़ी ठंडा हो गया था मुंबई में, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस ईयर, बट अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और सब कुछ क्लीन हो चुका है। तो अभी घर इतना अच्छा लग रहा है, हम लोग को सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर जो एयर प्यूरीफायर रखा है ना, हम लोग डेली अभी लास्ट 10-20 डेज से ये एयर प्यूरीफायर भी यूज़ कर रहे हैं, और क्योंकि विक्की इज़ एलर्जिक, उसको बहुत एलर्जी होती है और ठंड में वो चीज़ बढ़ जाती है, मतलब पोल्यूशन लेवल थोड़ा सा हवा नहीं चलती है तो पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब सो नहीं पाता है वो रात में, तो उसको लगा करके सोते हैं तो काफ़ी एटलीस्ट वो सो पाता है, इतना खांसी वगैरह नहीं आती है उसको, एलर्जिक वाली खांसी और सर्दी होती है, मतलब वैसे नॉर्मली सर्दी वाली होती है वो अलग है बट एलर्जिक वाली होती है। आपको दिखाती हूँ, क्लीन हो चुका है, ये वाला बेडशीट बिछाया है एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी क्लीन। सो यस,
और कल जो वार्डरोब डीक्लटरिंग किया था तो उसका सब सामान निकाला है, 5 जीन्सेस रखे हैं और ये सब कपड़े एंड स्कर्ट्स वगैरह जो मैं निकाल रही हूँ। एंड विक्की ने अभी बनाया है सूप, टोमेटो सूप, बट ये विक्की ने नहीं बनाया है, हाँ मतलब वो है रेडी टू मेड वाला जो सूप होता है ना वो है। सो अभी मैं फटाक से वो एंजॉय करती हूँ एंड देन फिर आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन संडे इवनिंग को जाना बहुत अवॉइड करते हैं, अगर जाना होता है तो हम दिन में जाते हैं, बट क्योंकि आज इतना सारा काम था, अभी विक्की और मैं यही डिस्कस कर रहे थे कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना हमारी एज के जो कपल्स हैं या और भी बहुत सारे लोग हैं, दे यूज टू गो फॉर पार्टी, पबिंग, क्लबिंग, मुंबई के आसपास की कोई जगह है, वो हम लोगों को लिटरली सोचना पड़ता है कि जाएं कि नहीं जाएं। इट्स नॉट अबाउट लाइक यू नो, मतलब हमको टाइम ही नहीं होता है इतनी, मेरी मम्मी इतनी बार बोलती है कि तुम क्या करते रहते हो ऐसा, तो लिटरली इतना सारा काम रहता है घर में, एक सेकेंड में दिख नहीं रही हूँ आई गेस, हाँ अभी देखी, तो इतना सारा काम रहता है। जैसे आज तो मैंने रिकॉर्ड किया, ऐसे बहुत सारी बार होता है कि मैं रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ ये सब, जो इतना मैं आ नहीं रही हूँ, हाँ तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मैं रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ, आज तो फिर भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है तो, और मेरे दिमाग से ये बिल्कुल स्किप हो गया था कि टुडे इज मतलब आज सेल का फर्स्ट डे है, जो क्रिसमस सेल होती है उसका फर्स्ट डे है और इतना रश है, मतलब अभी हमारी पार्किंग में लगाने के लिए गाड़ी के को भी जगह नहीं है, मतलब आज और कल ही है जो भी है, उसके बाद से स्टॉक बिल्कुल नहीं, यहाँ का जो मेन मेन होता है ना जो क्रीम होती है वो आज और कल ही है, उसके बाद निकल जाएगा, बट आज विक्की मेरे साथ है तो विक्की तो इतना चैचा पैपे करेगा, मेरे को लेने भी नहीं देगा, तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद कल दिन में आऊंगी या मंडे को आऊंगी आराम से। गुड डिसीजन, अकेले आना, जो खरीदना खरीदना, वैसे मेरे को मालूम है कचरा ही मिलता है सेल में। अरे नहीं, अभी तो अच्छा क्रीम प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उसके बाद मतलब कचरा ही मिलता है विक्की को, एक तो सेल और दो तीन और चीजें हैं, मैं बताऊंगी नहीं, नहीं तो आप लोग विक्की को ट्रोल कर दोगे का सामान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आराम से एक खरीदो, अच्छा खरीदो जो लॉन्ग लास्टिंग है, 5 साल तक फिर उसको घसीटो भले ही, बट एक ऐसा वाला फंडा है, तो देखते हैं हमारा नंबर कब तक आता है और हम लोग क्या लेते हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। Hi guys, so today is Sunday और कल रात में मैंने बताया नहीं आपको कि मैं क्या लेकर के आई हूँ, सो आई ओनली बॉट दिस दिस क्यूट बाथरोब फ्रॉम बिग बाजार, एक्चुअली ये एक ही पीस बचा हुआ था तो हल्का सा ना इसमें डस्ट लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है हल्का सा डस्ट है तो वो वॉश करने में निकल जाएगा, एंड ये सिर्फ एक ही पीस था, तो आप इसको एज अ बाथरोब, आप इसको एज अ स्लीप वेयर कैसे भी यूज कर सकते हो, दिस इज वेरी सॉफ्ट, वेरी वॉर्म एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट सो इनएक्सपेंसिव, ये सिर्फ 800 रुपीज का था, अदरवाइज इस क्वालिटी के बाथरोब्स आपको पता है आई थिंक आप होम सेंटर, मैं बहुत टाइम से बाथरोब देख रही थी बट होम सेंटर वाला जो था वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है, 1599 का वो आता है एंड ये मुझे 800 रुपीज मिल गया। सो दैट्स इट फॉर माय वीडियो, आई होप यू लाइक माय वीडियो, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी यू सून, टिल देन बाय।